लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में बाबा की बीच पर रविवार को मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। बाबा की बीच पर अलसुबह रुद्राभिषेक के बाद सुबह 4:15 पे श्रृंगार के साथ 108 जोत से माँ आरती की गई। आरती का चैनल 24+ न्यूज पर सीधा प्रसारण किया गया। लोगों ने इस चैनल के यूट्यूब पेज पर भी लाइव देखा। इसके बाद सुबह 11 मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा ध्वजा की पूजा अर्चना की गई। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के निज मंदिर को भव्य रूप दिया गया। मंदिर में प्रवेश के लिए 3 भव्य द्वार बने हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार से निज लगाए गए। मंदिर तक स्थायी बैरिकेटिंग लगाकर 2 लाइनें महिलाओं और 2 लाइनें पुरुष यात्रुओं के लिए रखी गई, ताकि यात्रु ज्यादा आराम से दर्शन कर सके तथा किसी प्रकार की भगदड़ न मचे। दर्शनार्थियों के दर्शन पश्चात निकासी के लिए घाटी वाले मार्ग को खोला गया, ताकि सीढ़ियों पर भीड़भाड़ न हो। गर्मी को ध्यान में रखते हुए टिन शेड लगाए गए हैं, साथ ही उसमें स्थायी रूप से पंखे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए ट्रस्ट द्वारा सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर, मुख्य द्वार से सीढ़ियों, पर्चा नाड़ी और मुख्य मार्ग पर लगाए गए हैं। यहाँ पर आज सुबह 12:15 से 3 तक रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद में महाआरती 108 दीपक से की गई, और जिससे हजारों संख्या में लोग श्रद्धालुओं ने आरती का भाग लिया। बाबा की महाआरती में यही संदेश है कि सुख शांति से दर्शन होए और बाबा का यही सबके ऊपर आशीर्वाद सदा बना रहे। जो भगत लोग आ रहे हैं बाबा की मन्नत मांगने, बाबा उनकी मन्नत पूरी करे। और आरती आज माँ आरती सुबह 4:15 108 जोत से की गई, और शानदार आरती का दर्शन सभी पब्लिक ने किए।